हेलो फ्रेंड्स, माय न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस डोसा। डोसा बनाने के लिए मैंने लिए है उड़द की दाल धुली हुई एक कटोरा, और मैंने डेढ़ कटोरा लिया है चावल। तो इसको मैंने भिगो दिया था, एक घंटा समथिंग पहले भिगो चुकी हूँ मैं। और भिगोने के बाद इसको अच्छे से दो तीन पानी से धो लेंगे, और धोने के बाद इसको चार घंटे के लिए फिर भिगोने के लिए रख देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको फटाफट धो लेते हैं। कुछ ज़्यादा पानी से अगर आप धो कर रखेंगे तो आपकी डोसा जो है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही साफ़ वाइट एकदम बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए, मैंने दाल जो एक कटोरा ली थी उड़द की धुली हुई और चावल को दोनों मिक्स कर लिया है। अब इसको दोनों को अच्छे से दो तीन पानी से, कुछ ज़्यादा पानी से क्वांटिटी से धोना है। तो इस तरीके से मैं टंकी में ही धो ले रही हूँ खूब ज़्यादा पानी से। इस तरीके से परफेक्ट मैंने धोकर रख लिए हैं। चार घंटे समथिंग हो चुके हैं। चार घंटे के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे पानी। बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, तो पूरी रात के लिए इसको रख देंगे। कम से कम छः घंटे के लिए इसको भी बैटर को भिगो कर रख देंगे। तो इस तरीके से मैंने सारा बैटर पीस लिया है, तो पीस के एक डिब्बे में भर कर रख लेना है। और जिससे इसमें खमीर खूब अच्छे से उठ जाएगा, जितना अच्छे से खमीर उठेगा तो आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो लीजिए, मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में मैंने बनाऊंगी डोसा। तो डोसा बनाने के लिए खमीर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उठ गया है। तो इस तरीके से खमीर उठ गया है, और समथिंग इसमें मैंने पूरी रात का सफ़र तय किया है। और पूरी रात का सफ़र तय करने के बाद छः घंटे में इसमें खमीर परफेक्ट उठ जाता है। तो जब इस तरीके से परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है, तो इसमें डालेंगे केवल स्वाद अनुसार नमक और मीठा सोडा आधा टीस्पून से कम, जो मैं ढक्कन में लेकर दिखा रही हूँ। हथेली से डालूंगी बस दो चुटकी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। इस तरीके से इसको अच्छे से फेंट लेना है। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे तो डोसा आपका अपना ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिए, तो चीनी ऐड कर लेंगे तो इससे थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप गाइस डोसा का बैटर परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि डोसा का बैटर बताइएगा, तो इस तरीके से डोसा का बैटर आप बना सकते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने बॉयल किए हुए आलू को अच्छे से छील लेंगे और आलूओं को फ्राई कर लेंगे डोसा में भरने के लिए। तो इस तरीके से गैस को ऑन करेंगे और तवा रखेंगे। कड़वा तेल डाला है और आधा चम्मच, और इसमें डालेंगे जीरा, हींग, और इस तरीके से आलू को फोड़ के डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। तो हल्दी डालने के बाद, हल्दी से एक कलर खूब अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन वैली भी डाल सकते हैं, मटर जिसको बोलते हैं हरी मटर। तो मैंने इसमें ना ही हरी मटर डाला है और ना ही मैंने पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसी तरीके से आप पनीर का भी बैटर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद लीजिए, डोसा में भरने के लिए परफेक्ट आलू तैयार हो गया है भरता। उसमें हरा धनिया गार्निश के लिए डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। चाहे तो आप इसमें टमाटर के पीसेस भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से परफेक्ट आलू मसालेदार बना सकते हैं गाइस। तो अब रखेंगे, बनाएंगे डोसा। डोसा बनाने के लिए तवे को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, उसकी आंच धीमी और तेज़ मैं पूरी बताऊंगी, आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो लीजिए, तवे को मैंने रख दिया है, अभी तो हाई फ्लेम पर रखा है। थोड़ा सा ऑयल लगाया है, पानी डाला है और कपड़े से पोंछ देंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देना है, बैटर को अच्छे से फेंट लेना है और एक कटोरी में ले लेंगे। चाहे तो चमचा ले लीजिए। अब बैटर को पानी डालेंगे, तवा थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब जो बैटर तैयार किया था वो बीच में डालेंगे और इसको गोल गोल करके घुमा देंगे। एक ही राउंड में घुमाना है परफेक्ट, और जितना पतला लेयर ले पाएँ तो उतना ही पतला कीजिएगा। और बैटर को गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना है। तो इस तरीके से अच्छे से गर्म हो चुका है, और जब गैस को हाई फ्लेम पर आप कर देंगे, उसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और जो आलू का बैटर मसाला तैयार किया था तो इसके ऊपर लगा देंगे। तो जो डोसा बनाने के लिए आप गैस को हाई फ्लेम पर रखा है, तो जो चारों तरफ से तवे में इस तरीके से छोड़ देता है अपने आप। ना ही मैंने ऑयल लगाया है, ना ही कुछ, बस बीच में थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और आप इस तरीके से गाइस डोसा बना सकते हैं परफेक्ट। तो लीजिए, मैं तीन राउंड में इसको फोल्ड कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना करारा क्रिस्पी बना है डोसा। तो मैंने सर्व कर लिया है, और इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं डोसा परफेक्ट। और डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बना है। आप इस तरीके से सच मानिए आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लीजिए, मैं दूसरा भी डोसा बनाकर दिखा रही हूँ। बैटर को अच्छे से परफेक्ट तैयार किया है, जो आपने देखा है बैटर का निशान। जैसे चमचे में लगाएंगे, उंगली से अगर बीच में एकदम लाइन बन जाती है तो ये बैटर आपका परफेक्ट, ना ही गाढ़ा है ना ही पतला है। और बीच में डाल देंगे और इस तरीके से गोल गोल राउंड करेंगे, और लेयर को बहुत ही पतला रखना है। इस तरीके से आप पापड़ी डोसा भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें आलू भी लगा सकते हैं। अगर आपको पापड़ी डोसा बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं।
गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है। इसमें लगाएंगे थोड़ा सा आलू, और ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर आप तो प्याज पसंद करते हैं तो इसमें प्याज टमाटर ये पीसेस डाल सकते हैं। तो गैस ऑनियन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि आज मंगलवार है, इसलिए ऑनियन नहीं डाल रही हूँ, वरना मैं प्याज का भी डोसा आपको बनाकर दिखाती। तो गैस आपको मेरे डोसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। इसको 3 फोल्ड कर देंगे तो कितना करारा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो गया है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हो उसके खिलाइएगा, खुद खाइएगा और घर में सबको बनाकर खिलाइएगा। और आप किस जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको डोसा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा, और मैं इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।